नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। खाद तेल की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण दोनों देश से सूरजमुखी तेल का आयात बंद हो गया है। तेल की कीमतें लगभग 300 रुपए से 400 रुपए प्रति 15 किलो कंटेनर बढ़ गई है, जिससे लोगों ने खाद्य तेल का स्टॉक करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें भविष्य में पर्याप्त खाद्य तेल नहीं मिलेगा। घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। आज कीमतें धातुओं में 0.50% से अधिक की गिरावट आई है। एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा सोने का भाव 1.31% प्रति 10 ग्राम टूट गया है, जबकि चांदी वायदा की कीमत 1.30% गिर गई है। तुअर दाल के दाम जल्द ही कम होंगे। 1 अप्रैल से तुअर दाल पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा, जिससे दाल की कीमतें कम हो सकती हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि तुअर दाल मिल से मुलाकात कर 1 अप्रैल से तुअर दाल पर मंडी टैक्स नहीं लगाने का आश्वासन दिया है। होली से पहले भले ही सरसों तेल के दाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस साल इसके सस्ता होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चालू रबी सीजन में पिछले साल की तुलना में 26 लाख टन सरसों ज्यादा उत्पादन होने का अनुमान है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भर में चिंता का माहौल है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को इस युद्ध का लाभ मिलता दिख रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन में युद्ध के चलते वहां से गेहूं का निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते भारत के गेहूं की मांग बढ़ रही है। इसका फायदा देश के किसानों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के किसान भी खुश हैं क्योंकि खुले बाजार में गेहूं 500 रुपए तक ऊंचा बिक रहा है। खांडवा में हर दिन लगभग 20,000 क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच रहा है। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन तथा बिनौला, सीपीओ और पामोलिन तेल सहित सभी तेल तिलहनों के दाम में गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट विदेशी बाजारों की वजह से आई है। मलेशिया एक्सचेंज में 5.5% की गिरावट आई है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में लगभग 1.25% की गिरावट आई है। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले देश रूस ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। रूस ने कहा है कि वह तेल और अन्य सामान डिस्काउंट रेट पर भारत को मुहैया कराने के लिए तैयार है। रूस के इस प्रस्ताव पर भारत विचार करने को तैयार हो गया है। भारत के लिए यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब रूस दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। SBI के अर्थशास्त्री ने रुपए के कमजोर होने का अनुमान लगाया है। इनके अनुसार अगर मौजूदा यूक्रेन युद्ध जारी रहता है तो $1 के मुकाबले रुपए जून तक 77.5 के नए निचले स्तर पर आ जाएगा और दिसंबर के अंत तक मामूली रूप से सुधर कर ये 77 हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति के कारण वहां कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्वार गम की डिमांड घटी थी, जिससे ग्वार की कीमतों में गिरावट आई थी। ग्वार की कीमतें तब बढ़ना शुरू हुई जब अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल को खरीदने से मना कर दिया और पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। हाजिर बाजार में मजबूती के रुख के कारण वायदा कारोबार में ग्वार सीड की कीमतें 114 रुपए की तेजी के साथ 6,249 रुपए प्रति 10 क्विंटल हो गई है। NCDX में ग्वार सीड के मार्च महीने में डिलीवरी वाले अनुसंधान की कीमत 114 रुपए अथवा 1.86% की तेजी के साथ 6,249 रुपए प्रति 10 क्विंटल हो गई है। तो बड़ी खबरों में बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।